आपने लोगों को सरकारी अधिकारियों से अपना काम समय पर नहीं होने के चलते अपनी नाराजगी जाहिर करने के अलग अलग तरीके देखे होंगे, लेकिन हम आपको एक व्यक्ति की नाराजगी जाहिर करने का एक ऐसा तरीका बता रहे हैं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अशोक नगर के चंदेरी की, जहाँ लंबे समय से प्रधानमंत्री आवास और कब्जे की जमीन पर पट्टे की मांग को लेकर लगातार अधिकारियों के चक्कर काट रहे तोताराम आदिवासी ने सीओ, तहसीलदार और नगर पालिका अध्यक्ष के कार्यालय पहुंचकर अपनी नाराजगी कुछ इस तरह जताई कि अपनी जेब में रखा जहरीला जीव गोहिरा छोड़ दिया, जिसके बाद यहां मौजूद अधिकारी और कर्मचारी हक्के बक्के रह गए। इस दौरान काफी समझाइश के बाद तोताराम ने वापस इस जहरीली जीप को पकड़ लिया। सजल मोबाइल, कंप्लीट मोबाइल शॉप, बजाज फाइनेंस कार्ड बिल्कुल फ्री बनवाएं, थोक रेट पर मोबाइल एवं टीवी फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। पता सजल मोबाइल, सरस्वती मंदिर गली, बड़ा बाजार, सागर। दरअसल तोताराम आदिवासी जहरीले जीव और सांपों को पकड़ने का काम करता है और चंदेरी में एक भूमि पर बरसों से रह रहा है और उसी जमीन पर पट्टे की मांग के साथ पीएम आवास की भी मांग कर रहा है, लेकिन उसे पट्टा नहीं मिल सका, जिससे नाराज होकर तोताराम अपनी जेब में जहरीला जीव गोहिरा रख कर गया और सीओ और नगर पालिका अध्यक्ष के सामने छोड़ दिया। आपको बता दें, इस पूरे घटनाक्रम के बाद अधिकारियों और नगर पालिका अध्यक्ष यह कहते नजर आए कि वह तो गोहिरा दिखाने के लिए था, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहीं तोताराम का कहना है कि यदि मुझे पट्टा और आवास नहीं मिला तो दोनों जगह इतने जहरीले सांप और गोहरे छोड़ेंगे कि इन्हें मुश्किल हो जाएगी। हालांकि हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते, लेकिन अब देखना यह होगा कि इस आदिवासी का इस तरह का विरोध सामने आने के बाद अधिकारी इस मामले को कितनी गंभीरता से लेते हैं। मेरा यही मामला है, सरकार में गरीब आदमी आदिवासी, मेरे पास में 12 बच्चे हैं, ये 7 लड़की हैं और 5 लड़के हैं, ये 12 हैं, और मेरे पास में गड्ढे खुद गएंगे 6। 1,00,000 रुपए मेरी मंजूरी है, सूची सर्वे नंबर में मेरे पास में खाते में पैसे आ गए हैं। आप वक्त वोट वाले मुझे आराम से हैरान कर रहे हैं कि जो हमारी जगह, तो हमने जा कही कि सरकार आराम से आपकी जगह 2.5 बीघा है, आपकी 25 बीघा जगह नहीं है, 2.5 बीघा आप नाप के आप रख लो, और बाकी की है कि सरकार गरीब आदमियों की इसके मारे से नहीं SDM सुनता है, नहीं तहसीलदार सुनता है, नहीं CM साहब सुनता है, इसके मारे से मैं सांप गोरे छोड़ के आ गया हूँ। और उन्होंने जब निवेदन करी तो मैंने पकड़ भी ली कि कल के दिन मैं और छोड़ सकता हूँ सरकार। अच्छा, आपने एक वीडियो है जो नगर पालिका के अध्यक्ष है उनके चैम्बर का बताया जा रहा है, लेकिन उनका कहना है कि आप जो गोरा दिखाने के लिए गए थे, क्या आप दिखाने गए थे या आपने छोड़ ही दिया था? छोड़ दिया था मैंने सरकार, सीएम साहब के पास में, सीएम साहब हाथी, आपने यहाँ पे नगर पालिका अध्यक्ष जी के पास में छोड़ा था मैंने, आज छोड़ा था। हाँ। अच्छा, और तहसील में भी छोड़ा था सरकार, तहसीलदार के सामने, पटवारी के सामने भी छोड़ दिया था मैंने, हल्की पटवारी के पास में। मनो वो यही कहते हैं मुझसे कि तोताराम तुम्हारी आवासी और पट्टा आ जाएगा, मनो सरकार अभी तक आया नहीं है। मतलब आप, मतलब आपको आवास और पट्टा दो चीजों का लाभ नहीं मिला है जिसके कारण आपने गोरा छोड़ा है। गोरा छोड़ दिया मैं कल के दिन, मैं साथ भी छोड़ दूंगा सरकार। चंदेरी से कल्याण अहरबार, सागर एक्सप्रेस न्यूज। फर्स्ट किराए शोरूम, यहां आएं और पाएं ऑनलाइन ऑफर्स के साथ बच्चों के दैनिक उपयोग की एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स की संपूर्ण श्रृंखला। हमारा पता है HDFC बैंक के पास, जबलपुर रोड, मकरोनिया।